हेलो फ्रेंड्स, मैं रहनुमा असम गुजरात से। और ये देखिए हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्रूट लगे हैं। ये देखिए अनार, देखिए अनार लग रहे हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। और ये मैंने सीड से ग्रो किया था ये प्लांट, और काफ़ी अनार इसमें लगते हैं और हमेशा इसमें फ्रूटिंग होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती ही रहती है फ्रूटिंग। इसमें साल में 2 बार लगते हैं इसमें अनार, और ये मैंने सीड से ग्रो किया था फ्रेंड्स। और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है इसमें, और कुछ फ्लावरिंग इसमें से गिर जाती है और कुछ के फ्रूट बन जाते हैं। ये सभी प्लांटों में ऐसा होता है, मेल फीमेल के हिसाब से। ये इसके जो फ्लावरिंग होती है वो कुछ रुकती है तो ऐसे फ्रूट बन जाते हैं, और कुछ झड़ जाती है मतलब, और कुछ ऐसे फ्रूट अच्छे से बन जाते हैं। और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट होते हैं ये फ्रूट्स फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हुई है इसमें, और बहुत बढ़िया फ्रूट लगे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं फ्रूट इसमें। और ये सीड से ग्रो किया हुआ है, मेरे पास ग्राफ्टिंग भी है पर ये सीड से ग्रो किया है। ये मदर प्लांट है, मैंने इसमें से बहुत सब प्लांट बनाए। ये देखिए गुआवा, ये अमरूद है फ्रेंड्स, ये भी मैंने सीड से ग्रो किया है फ्रेंड्स। इसमें भी काफ़ी फ्रूटिंग है फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये भी सीड से ग्रो हुआ हुआ प्लांट है फ्रेंड्स, ये मैंने सीड से लगाया था। और ये तो 12 महीने फ्रूटिंग करता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है इसमें, और बहुत टेस्टी फ्रूट है इसका। इसका फ्रूट बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, और बहुत बड़े बड़े जामफल इसमें लगते हैं, गुआवा जामफल, अमरूद, आपकी जबान में क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ अमरूद भी बोलते हैं, जामफल भी बोलते हैं। और ये देखिए अनार का ये प्लांट, ये भी मदर प्लांट है फ्रेंड्स। मैं काफ़ी इनमें से प्लांट बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग, छोटे छोटे पौधे भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देते हैं। और ये देखिए ये भी मदर प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें से भी एयर लेयरिंग से मैंने बहुत सब प्लांट निकाले हैं, उसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। और ख़ास बात तो ये मैंने सीड से ग्रो किया है, और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होती है इसमें। और ये मेरे बोर का प्लांट है, बेर जिसमें लगते हैं, ये 12 मासी है, ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है। और ये देखिए अनार, अनार तो काफ़ी लगे हैं फ्रेंड्स, बहुत लगे अनार तो, ऊपर की डाली है मैंने ऊपर ही छोड़ दी है, बहुत बड़ा प्लांट है ये, और नीचे की डालियों पे थोड़ा बच जाएगा। ऊपर क्या है वो सब पंछी खा जाते हैं, उनके हक का भी है इसमें, उनके लिए भी रखा है, हमेशा वो ही खाते हैं, पर कुछ हम लोग डालियाँ नीचे कर लेते हैं तो वो हमारे भी नसीब में हो जाती है मतलब। अब मेहनत करते हैं तो थोड़ा टेस्ट भी लेना चाहिए ना फ्रूट का। ये देखिए तो काफ़ी लगे हैं, चारों तरफ फैला हुआ है ये प्लांट मेरा, और सीड से ग्रो हुआ हुआ प्लांट तो बहुत अच्छा, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है उसमें, बाकी बहुत अच्छा सक्सेस देता है वो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और काफ़ी इसमें फ्रूटिंग हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है इसमें, चारों तरफ फैला हुआ है, बता नहीं सकती मैं आपको। ये देखिए, और ये देखिए ऐसे सीड से लगा देती हूँ मैं प्लांट ही, बस ये ऐसे छोटे में भी देखिए लग जाते हैं फ्रूट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।